लेक्स कौंसिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट इनसे इनसे मिलिए मैं चंद्रभूषण जी से बातचीत करते हुए आ, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि वृक्षारोपण की दिशा में जंगलों के अतिरिक्त जो फॉरेस्ट के एफर्ट्स हैं वो ठीक हैं लेकिन जंगलों के बाहर अब तक जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका आप किस तरह से मूल्यांकन करेंगे असेस करेंगे क्या वो पर्याप्त हैं और क्या और करने की ज़रूरत है जी नीलेंद्र जी मैं उस कैटेगरी के ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट में फॉल करता हूँ जी हु वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट हाँ राइट मेरे त मेरे अं, मेरी मेरी हमेशा ये थिंकिंग रही है कि फॉरेस्ट के दो उपयोग हैं जी एक कॉन्जर्वेशन का है जी जहाँ के हमारे जानवर रह सकें कॉन्जर्वेशन एरिया रहे हाई बायोडाइवर्स एरिया रहे मिक्स्ड uh, फॉरेस्ट हो ठीक जिसको कि पर्यावरण का फायदा हो जी सो वी नीड टू हैव कॉन्जर्वेशन फॉरेस्ट और दूसरा जो फॉरेस्ट हो उसको मैं कहता हूँ यूटेलिटेरियन फॉरेस्ट देखिए दुनिया में कोई मटेरियल ऐसा नहीं है एज इको फ्रेंडली एज वुड ओके हाँ, हमने क्या देखा पिछले तीस साल में हमने किया क्या है हमने वुड को रिप्लेस करके प्लास्टिक ले आए हैं जी आज के दिन में हमारे चेयर प्लास्टिक के बनने लग गए हैं आ, are, है। are, हैं एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव यूज है मेटल को लेके आ गए एज ए वुड जी विल स्टोर कार्बन जी इज वेरी स्ट्रांग अच्छी तरह से अगर वुड के फर्नीचर बनाए तो तीन तीन सौ साल चलते हैं जी पुराने घरें बनती हैं तो वुड इज ए वेरी इको फ्रेंडली मटेरियल जी आई आईव ऑलवेज प्रमोटेड यूटैलिटेरियन यूज ऑफ ट्री इसका मतलब यह है कि पेड़ लगाना अच्छी बात है लेकिन पेड़ काटना भी उतनी ही अच्छी बात है सो हमारे देश में 1980 के बाद में जब फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट आया था तो उसके उस समय ये मतलब कि इस तरह के व्यूज आ गए हमारे देश में कि पेड़ काटना एक बहुत बड़ा गुनाह है आप पेड़ नहीं काट सकते दिल्ली में जैसे आज के दिन में ट्री ट्री इंस्पेक्टर होते हैं यू हैव टू टेक सेवेंटीन परमिशन टू कट ए ट्री दैट यू फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ ट्री इसका मतलब है कि अगर मैंने तीन पेड़ लगाए हैं तो मुझे एक पेड़ काटने का हक होना चाहिए फिर मैं दूसरा ट्री लगाऊंगा आई डोंट जो जो तीन सौ साल और चार सौ साल के जो पेड़ है दोज आर कॉन्जर्वेशन ट्री उसको आप कॉन्जर्वेशन के लिए रखिए बट यू मस्ट है यूज ऑफ ट्री आज के दिन में हम जितना स्टील लाएं सीमेंट लाएं प्लास्टिक लाए उसी के कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज दर इज लॉर्ड ऑफ ग्रीन हाउस गैस मिशन सो आई बिलीव ए ट्री प्लांटेड आउटसाइड फॉरेस्ट इज ए ट्री सेव्ड इन साइड फॉरेस्ट वु यू जस्ट एक्सप्लेन दिस विच बेसिकली मीन्स दैट हमें वी नीड टू प्लांट लॉट मोर ट्री फॉर यूटेलिटेरियन परपज आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया ओके सी द स्टेटिस्टिक्स इज एज फॉलोज 23 थ्री परसेंट ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में है एंड देन वी हैव फॉरेस्ट आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड देन वी हैव ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सो देर आर मल्टीपल क्लासिफिकेशन ऑफ Uh, forest in India. I believe that farmers should be empowered to plant tree and sell trees. Like they grow Jee. crop, they should also plant tree like uh, in a similar, it will uh, in a similar fashion. It will substitute, uh, supplement their income. It will bring uh, eco-friendly uh, material. Saal mein I am seeing this change happening in the country.

आईड लाइक टू हेयर प्रोवोक यू जी आपने कहा कि तेईस परसेंट फॉरेस्ट कवर है जी तो फॉरेस्ट कवर ऐसा तो नहीं कि बाई इन टर्म्स ऑफ एरिया है लेकिन उस के अंदर एक्चुअली फॉरेस्ट नहीं है यू हैव एक्चुअली हिट द पॉइंट जी हमारा जो प्रॉब्लम आज के दिन में है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में है यू हैव एक्चुअली हिट द पॉइंट जी ऑफ द ट्वेंटी थ्री परसेंट ओपन फॉरेस्ट विल बी हाफ जी उसमें उसमें बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं होंगे डेंस फॉरेस्ट इज ओनली अबाउट टेन टूल्व परसेंट जी हाँ uh, तो वन ऑफ द थिंग दैट वी आर नाउ फाइंडिंग आउट कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली तो दैट इज समिंग उसमें कि गवर्नमेंट की एजेंसी फॉरेस्ट ऑफिसर्स की ज़्यादा जिम्मेदारी और उनका ज़्यादा रोल है सबसे ज्यादा रोल उनका है बट आई ऑल्सो बिलीव कि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि वी हैव एलिनिएटेड फॉरेस्ट कम्युनिटीज हमारे देश में आई थिंक क्लोज टू हंड्रेड मिलियन पीपल स्टिल लिव इन फॉरेस्ट जी दस करोड़ लोग हा लेकिन उनसे दूरी हो रही है और उनकी हालत ठीक नहीं है। उनकी हालत ठीक नहीं, नहीं है बट सपोज वी इन्वॉल्व देम इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो नहीं रहा है ढंग से बट अगर हम कम्युनिटी को स्टेक दें फॉरेस्ट में जी क्या आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले सकते हैं जी जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में बैम्बू कैश्यू जी मेनी मेनी प्रोड्यूस प्रोड्यूसूफ हाँ यूज राइट हाँ, अगर जी, हम जी, उनको जी, देते हैं पेड़ काटने की राइट ना दें बिकॉज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया शुड बी कॉन्जर्वेशन एरिया तो आई थिंक वी विल बी एबल टू मैनेज फॉरेस्ट मच बेटर देन वॉट वी आर डूइंग सो इन्वॉल्व कम्युनिटी गिव देम स्टेक अलाउ ट्री टू ग्रो आउटसाइड फॉरेस्ट फॉर यूटैलिटेरियन पर्पज जी इफ वी डू इट वन फोर्थ ऑफ आर ज्योग्राफिकल एरिया थिंक अबाउट इट वी आर इसका असर क्लाइमेट चेंज पर भी पड़ेगा वी विल बी एबल टू रिड्यूस एमिशन वी विल बी एबल टू मेक आर फॉरेस्ट इकोनॉमी मोर रेजिलियट जी ये सब कर सकते हैं तो ये इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत बहुत है। काम करने की जरूरत है शुरुआत हुई है जी बट मेरे अंदाज से और काम करने की जरूरत और ये पैन इंडिया एफर्ट की जरूरत है इसमें भी रीजन और स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अप्रोच देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ये अप्रोच है।, है एफर्ट की जरूरत हम नेशनल पॉलिसी तो नेशनल होगी लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है इट हैज टू बी वेरी लोकल क्योंकि हमारे जो हमारी फॉरेस्ट डाइवर्सिटी है जी वो बहुत अधिक है नॉर्थ okay. ईस्ट से लेके अगर आप वेस्टर्न राजस्थान में चले जाएं द कैरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट चेंजेस कंप्लीटली तो इट हैज़ टू बी वेरी लोकल जी द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिज़ाइन हैज़ टू बी वेरी वेरी लोकल बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आपने देखा कि चंद्रभूषण जी ने अपना जो इन्वायरमेंट चेंज क्लाइमेट चेंज की बात है उसकी दृष्टि से पेड़ों का क्या महत्व है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से और लॉजिकल वे में समझाया है और ये बातचीत हमारी जारी रहेगी आप इन वीडियोस को देखते रहें इनसे मिलिए प्लेलिस्ट में